हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपका पांच नंबर कंफर्म करने वाला हूं, तो प्लीज़ यार लास्ट तक देखेंगे तो पांच नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, पांच नंबर का टारगेट है ये, फाइव नंबर आपका पक्का है, पांच नंबर 100% अगर लास्ट तक देखते हैं तो पाँच नंबर की आता है, केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का है, ठीक है ना। टेंथ में भी है तो टेंथ के लिए भी ये हो सकता है, ठीक है ना। टेंथ वाले भी देख सकते हैं इसे, टेंथ में भी है। देखिए, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जब समझ में आएगा तभी लाइक करना, तभी शेयर करना, तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अब देखिए, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O2H5, यह है डाई एथिल ईथर का फार्मूला, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। अब देखिए, इसमें प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में? डाई एथिल ईथर को एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। कितने सेल्सियस पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए करके देखते हैं कि प्रयोगशाला में आखिर बनाया कैसे जाता है ना। चलिए रिएक्शन करके दिखाता हूँ, थोड़ा करके दिखाऊंगा ना तो आपको क्या होगा आ जाएगा। तो ब्लैक पेन से करके दिखाता हूँ ना, आप सब नीले ही पेन से करिएगा। पहले हम लेते हैं C2H5OH, क्या लेते हैं C2H5OH प्लस H2SO4 यानी कि क्या है, देखिए क्या बनाना है आपका, डाई ईथल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाना है तो एथिल एल्कोहल पहले लेते हैं, क्या एथिल एल्कोहल, क्या लेता हूँ एथिल एल्कोहल के आधिक और सांद्र H2SO4 किसके उपस्थिति में, H2SO4 इसमें, यानी कि हाइड्रोजन कितना है दो है, SO4 कितना है चार है, ठीक है ना, ये क्लियर समझ लेना आप। इसके आधिक्य में आपको बनाना है, कितने अंश सेल्सियस में इसको बनाएंगे, 100 से 110 अंश सेल्सियस में, सॉरी 100 से 110 अंश सेल्सियस में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बनाएंगे जब, यहाँ से निकलेगा C2H5 यहाँ हो गया, अब यहाँ से एक एच लेंगे, एक एच यहाँ पर बचा ना, एच और SO4 क्या बचा है, SO4, समझ में आया ना। देखिए फिर से समझाता हूँ इसे, अच्छे से समझना, देखिएगा अच्छे से, C2H5 ये लिए C2H5, यहाँ से इतना मैं उठा लिया और ध्यान में रखिएगा ये इतना उठा है, और यहाँ से एक एच उठा लिया और SO4 उठा लिया, यहाँ पर क्या बचा है एक एच बचा है, तो लिख लो एच, और क्या बचा है यहाँ पर एक एच यहाँ पर और ओ, यानी कि H2O, यानी कि क्या निकला है आपका, पानी निकल गया है, क्या निकला है पानी निकला है। ये क्या होता है इसको लिख लीजिए आप, होता है एथिल हाइड्रोजन होता है, लिख के दिखा दूँ आपको नहीं तो भूल जाओगे, क्या होता है एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन होता है ये C2H5 और HSO4, ये क्या हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन होता है। अब देखिए हम क्या कराएंगे, देखिए C2H5 ये वाला जो क्रिया है, ये वाला यानी कि एथिल हाइड्रोजन का क्रिया, फिर से नीली पेन से या ब्लैक पेन से जो भी करेंगे आप, चलिए ब्लैक से करूँगा नहीं तो आप सब भी चेंज करेंगे। तो पहले एथिल हाइड्रोजन निकला था ना, तो एथिल हाइड्रोजन लेंगे C2H5HSO4, यही निकला था ना, अब किसके रिएक्शन में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हम लेंगे इसको, कितने अंश सेल्सियस पर कहा गया है 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे, जब 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा निकलेगा C2H5O C2H5, यही निकलता है ना प्लस। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, यानी कि देखिए H2 बच रहा है, H2SO4 यही बच रहा है ना सर, जी हाँ। देखिए C2 कार्बन दो था, यहाँ पर भी कार्बन दो, हाइड्रोजन देखिए कितना है यहाँ पर, पाँच पाँच है, पाँच दो सात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पाँच पाँच दस, देखिए चार यहाँ पर, HSO4 में भी चार है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका H2SO4, देखिए C2H5 निकला यहाँ से, ये देखो एक मिनट बताता हूँ आपको अच्छे से, समझा दूँ अच्छे से नहीं तो कहोगे कि, देखिए C2H5 यहाँ से निकला, अगर हम यहाँ से O ले लेते हैं, फिर C2H5 यानी कि कार्बन की संख्या कितनी, दो, यानी कि 140 अंश सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं, समझ में आया भैया ना। जब नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर देना, मैं इसका वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसकी विधि के बारे में, इसकी विधि कैसे होता है, देखिए मैं कॉपी में अलग से डायग्राम बना रखा हूँ, देखिए आप अगर डायग्राम बना लेते हैं और फिर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है,
एथिल अल्कोहल, इसमें क्या है एथिल अल्कोहल, ऊपर से हम क्या डालते हैं एथिल अल्कोहल डालते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है थर्मामीटर लगा होता है नापने के लिए, जो ये दिख रहा है आपको ये थर्मामीटर होता है नापने के लिए। ये जो है देखिए ये एक गोल पेदी का क्या है फ्लास्क है, ये गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं, ऊपर से क्या डालते हैं एथिल अल्कोहल, और ये होता है बर्नर जिससे इसको ताप में इसको गर्म किया जाता है। क्या ये गोल पेदी के फ्लास्क जो है इसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये ऐसे करके यहाँ से निकलेगा और इधर से जल पड़ता रहता है और ये संघनित्र है, क्या है संघनित्र है, ठीक। इसमें आएगा एडाप्टर में आएगा, यहाँ पर क्रिया करेगा और ग्राही में आ जाता है, और ऑलरेडी यहाँ पर बर्फ रहता है तो यहाँ पर क्या हमारा बन जाता है जो हम बना रहे हैं वही चीज़ हमारा क्या बन जाता है डाइएथिल ईथर बन रहा है। यहाँ पर क्या बन जा रहा है आपका डाइएथिल ईथर, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको आप डायग्राम के हिसाब से बना लीजिए, देखिए एथिल अल्कोहल है, देखिए फिर क्या एक मिनट, हाँ ये हुआ आपका क्या है एथिल अल्कोहल इसमें पड़ रहा है। और देखिए एच प्लस एच टू एच ओ फोर, देखिए जो रिएक्शन आप कराए थे प्लस एच टू एच ओ फोर भी पड़ रहा है, यहाँ पर बर्नर की सहायता से इसको गर्म कर रहे हैं और ऊपर से एथिल अल्कोहल, और थर्मामीटर को नापने के लिए क्या इसमें प्रयोग करते हैं थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर जल डालते रहते हैं। और ये क्या है संघनित्र है और ये गोल पेदी का फ्लास्क है, ये उष्मा है बालू का उष्मक है ये जो लगा गोल पेदी के नीचे रखा हुआ है, ठीक है ये चीज़ है। अब चलिए इसी के बारे में लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए भैया देखिए मैं थोड़ा गलती कर रहा था एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ सॉरी। देखिए क्या हो जाएगा ये वाला लिए थे, ये वाला रिएक्शन लिए, अब किसकी उपस्थिति में C2H5, क्योंकि एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करना है ना, तो यहाँ पर देखिए C2H5 और चलो काट के कर देता हूँ ना, क्या हो जाता है C2H5OH। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए C2H5HSO4 यहाँ से निकला था और आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH की क्रिया में 140 सेल्सियस पर गर्म करेंगे जब, देखिए C2H5 यहाँ से निकला और O को ले लिया और यहाँ से भी C2H5 निकला, अब क्या बच रहा है H2SO4 बच रहा है ना, H2SO4 बच रहा है, ठीक। अब मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आएगा। देखिए भैया जो पहले रिएक्शन कराने पर निकला था क्या निकला था एथिल हाइड्रोजन और C2H5 लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी विधि में क्या क्या लिखेंगे, जो जो अभी बताया, एक गोद पेदी की फ्लास्क में C2H5 और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो जो मिलाते हैं को 2:1 यानी कि C2H5OH है जो आपका, ठीक है, ये कितना लेंगे 2 लेंगे, तो H2SO4 के कितना लेंगे तो 1 लेंगे, ठीक है ना। ये अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार जिसे चित्र में आपको दिखाया गया है चित्रानुसार लगाया जाता है, बालू उष्मक पर 140 से 145 अंश तक गर्म करते हैं, जिससे 140 से 145 तक गर्म करते हैं जिससे ईथर बर्फ के ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। ईथर कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ग्राही में उपस्थित हो जाते हैं, ग्राही में स्थिर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाते हैं स्थिर, यहाँ पर ग्राही में स्थिर हो जाते हैं, समझ में आया ना। क्या लेते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, एक गोल पेदी का फ्लास्क ले लेते हैं, समझ में आ रहा है भैया, एक गोल पेदी के फ्लास्क लेंगे, इसमें जो है रेत है बालू है, बालू में देखिए नीचे क्या लगा है बर्नर, इसको बोलते हैं लिख लीजिएगा ये बर्नर है, और क्या कौन कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4 करा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है, अगर इसमें बनाकर लिखना चाहे और भी बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यही चीज़ लिखा हूँ, अब चलिए कुछ रिएक्शन करा देते हैं। अगर मान लेते हैं पानी से रिएक्शन कराने पर, यानी कि H2SO से अगर क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल का, ये C2H5O की क्रिया किससे करा रहा हूँ पानी से H2O से, तो क्या निकलेगा यहाँ से C2H5OH, लेकिन यहाँ पर 2 रहेगा, क्यों, देखिए C2 दो बार है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और देख लीजिए रिएक्शन में आगे पीछे नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये क्या होता है, ये तो होता है एथिल अल्कोहल होता है, एथिल क्या होता है एथिल अल्कोहल होता है, ये क्लियर समझ में आया ना, ये पानी से रिएक्शन करा दिए हमारा क्लियर हो गया। अगर हम PCl5 से कराएंगे तो अगर इसे लिख देंगे तो 5 नंबर टोटल अगर लिखेंगे 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। PCl5 से अगर कराएंगे तो क्या होगा C2H5O C2H5 प्लस PCl5 से कराने पर, किससे कराने पर PCl5 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बचेगा 2C2H5Cl क्लोराइड ना, यानी कि एथिल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा एथिल क्लोराइड, क्या बनेगा एथिल क्लोराइड बनेगा, और कुछ बच रहा है यहाँ पर P बच रहा है,
POCl3 बच रहा है। क्या बच रहा है? POCl3 अगर आप मिलाएंगे तो एकदम मस्त तरीके से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया तो एक लाइक बनता है, अगर नहीं समझ में आया डिसलाइक मार के कमेंट करके चले जाओ कि भैया मुझे एक बार फिर से बता दो, तो मैं बता दूंगा आपको, पक्का है 100%, और इससे आसान करने का कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, 5 नंबर आपका आज क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत दिन से डिमांड था, तो आज क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।